नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पार्ट जिसका नाम है बात से बात। आज हम इस पार्ट को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बात से बात विभिन्न पहलुओं के माध्यम से वस्तुओं की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए विभिन्न प्रश्नों को तैयार करते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनके अंदर सामूहिक सहभागिता का उपयोग होता है एवं पाठ में आए कंसेप्ट को दीर्घकालीन तक याद रखने में उनको मदद मिलती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है संज्ञा शब्द क्रिया विशेषण। तो इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए कोई विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती, बस शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं कुछ। उसके लिए वो बच्चों से बोलते हैं कि आपको लघु उत्तरी वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को बनाना है। उसके उपरांत शिक्षक बच्चों के साथ समूह में बच्चों को विभाजित कर देते हैं और हर समूह का एक प्रतिनिधि निर्धारित किया जाता है और वह प्रतिनिधि जब बच्चे प्रश्न बैंक लिख कर लाते हैं तो वह उन प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक बनाता है हर समूह का प्रतिनिधि। इसके बाद वह प्रश्न बैंक हर समूह के प्रतिनिधि आपस में आदान प्रदान करके उस प्रश्न बैंकों के माध्यम से प्रश्नों को संकलित करके एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है और ये ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी प्रश्न दोहराया ना गया हो। इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है। तो आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं जो कि पाठ में आए हुए थे, जो कि बच्चों ने बनाया था। जैसे कल उनका झगड़ा हुआ वाक्य में क्रिया क्या है, तो उसमें है होना। उसके बाद दूसरा प्रश्न, वह मुंबई चले गए, वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसमें जो वाक्य में संज्ञा शब्द है वह है मुंबई। उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वाक्य में क्रिया क्या है, तो इसमें क्रिया है खेलना। इसके बाद मोहन ने फटाफट उत्तर दे दिया, इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो इसमें विशेषण है फटाफट। इसके बाद सब बच्चे ताली बजाने लगे, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, तो उसमें क्रिया है वो है बजाना। इसके उपरांत वह पानी सब शब्दों में संज्ञा शब्द बताइए, तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वह है पानी। दूध सफ़ेद होता है वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, तो इसमें जो विशेषण हुआ है सफ़ेद। इस तरीके से बच्चे प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट को याद रखने में मदद मिलती है। यह था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों को के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान, वो क्या हैं। तो पहला, इस गतिविधि का क्रियान्वयन निर्धारित माह पर करवाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि शिक्षकों के लिए 20 मिनट निर्धारित की गई है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है, मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये था शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, यह गतिविधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन वे अन्य बच्चों को सुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा में भागीदारी ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्रश्न एवं उत्तर लिखने में तो सक्षम नहीं होते, लेकिन अन्य बच्चों को सुनकर वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञान कंसेप्ट के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऑस्टिन से पीड़ित बच्चों को सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती है गतिविधि। तो ये थे CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इस नवाचार के माध्यम से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा।
और हम ये आशा करते हैं कि आप इसको अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करवाएंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI Facebook चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे Facebook चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।